सब एवरीवन, दिस इज योर बॉय संजीव थापा ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका। तो ये मेरा चैनल है सी लाइफ एट सी। बेसिकली ये चैनल में आपको पता चलेगा, उन लोगों को पता चलेगा, उन फ्रेंड्स मेरे भाई लोगों को पता चलेगा जो अभी प्रीसी कोर्स कर रहे हैं और जहाज पे आने वाले हैं, उनको पता चलेगा कि जहाज पे एक्चुअल काम कैसा होता है, जहाज पे हम रहते कैसे हैं, जहाज पे एंजॉयमेंट कैसा होता है, वर्किंग शेड्यूल, काम शेड्यूल, रेस्ट आवर्स, वर्क आवर्स कैसा होता है। तो 70-80% जो लैंड में रहते हैं पब्लिक लोगों को लगता है कि हम लोग जहाज पे बहुत एंजॉय करते हैं, हम लोग ये कंट्रीज वो कंट्रीज घूमते हैं और जहाज पे पैसा अच्छा मिलता है। तो इसी व्लॉग, इसी चैनल के द्वारा मैं उनकी ये गलतफहमी मिटाना चाहूँगा कि जहाज पे अर्निंग इज़ वेरी हार्ड, जहाज पे कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो लोगों का यही गलतफहमी के लिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। आगे भी मेरे चैनल में ऐसे व्लॉग आते रहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंजॉयबल, यू विल लव टू वॉच, आते रहेंगे सभी सब वीडियोस। तो बने रहिए इस चैनल पे। पहला वीडियोस मेरा ये चैनल पे जा रहा है शिप्स पर्टिकुलर के ऊपर, बेसिकली शिप दिखता कैसा है, कैसे रहते हैं हम, एकोमोडेशन कैसा होता है और भी बहुत चीज़ें इसमें मैं आपको बताता रहूँगा। तो बने रहिए इस चैनल पे और एंड तक देखिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अपने एकोमोडेशन के बारे में। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट माय एकोमोडेशन, हाउ इट लुक्स, हाउ इट इज़, कौन सा कैबिन किसका है, कहाँ पे क्या है। तो मेरा पहला स्टार्टिंग वीडियो जाएगा मेरे एकोमोडेशन के ऊपर, सो बने रहिए। तो बेसिकली गाइस, दिस इज़ द सेकंड डेक, लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द सेकंड डेक। फर्स्ट ये आता है हमारा क्रू रिक्रिएशन रूम। मेनली क्रू रिक्रिएशन रूम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग पार्टी करते हैं, इन्जॉयमेंट करते हैं। तो देखिए हमारा क्रू रिक्रिएशन रूम कैसा है। ये सब डेकोरेशन है हैप्पी न्यू ईयर वाला, जो न्यू ईयर में हमने डेकोरेशन किया था। दिस इज़ आवर क्रू रिक्रिएशनल रूम, जो यहाँ पे क्रू लोग बैठते हैं, इन्जॉयमेंट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एन्जॉयमेंट, मूवीज़ देखते हैं, पार्टीज़ करते हैं, नॉर्मल जो संडेज वाले पार्टी होते हैं वो करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं दूसरी तरफ। तो दिस इज़ आवर सेकेंड डेक एलीवे, दिस इज़ आवर लिफ्ट एरिया वेयर द लिफ्ट कम्स। यहाँ पे लिफ्ट आता है, वो साइन दिखता है वहाँ पे आई करके लिफ्ट। तो बेसिकली दिस इज़ द लिफ्ट डोर। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीसी, वीसी मीन्स टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट ऑफ सेकेंड डेक। द एयर कंडीशनर रूम, दिस इज़ टू द एयर कंडीशनिंग रूम। मेनली जो एकोमोडेशन में जो एसी की एसी आती है वो यहाँ से आती है, तो उनका सिस्टम पूरा यहाँ पे है। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूम ऑफ द सेकेंड डेक इज़ आर फर्स्ट एड रूम। कैन यू सी इट, फर्स्ट एड रूम। यहाँ पे इसको सेकेंड हॉस्पिटल भी बोलते हैं हमारे जहाज पे। यहाँ पे मेनली जो भी इंजर्ड होता है या जो भी किसी को भी कुछ बीमारी या कुछ होता है तो उनको ट्रीट यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे हमारी सभी फैसिलिटीज़ हैं इनके अंदर, नॉट ऑलमोस्ट सभी, लेकिन जितने रिक्वायर्ड है उतनी फैसिलिटीज़ अंदर है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट रूम विच इज़ आर क्रू लॉन्ड्री। नाउ यू विल सी द क्रू लॉन्ड्री। This is the big one dryer. This is the washing machine, boilers with washing machine. So don't mind, ये थोड़ा messy है तो normally coasting में ऐसे ही रहता है, clean करने का time नहीं मिलता है। तो one of the important room of our accommodation is our laundry, जहाँ पर हम रोज़ हमारे कपड़े धोते हैं। So guys, this is our third deck where the engine cabin, engineers, all the engine oilers live. Don't mind, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, यहाँ पे एयर डक का बहुत आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली सिक्स कैबिन्स हैं ऑयलर लोग के, वाइपर लोग के, पिटर लोग के।
तो ये ऑयलर पिटन लोग मैं जो बोल रहा हूँ ये है क्रैंक के इंजन वाले लोग के। बेसिकली दिस इज द कैबिन ऑफ अ चीफ कुक एंड सीट। तो बस यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए है नहीं, बस 6 रूम्स है जो कि मैं खोल नहीं सकता, उनका पर्सनल रूम है। तो बस यही है हमारे थर्ड डेक में। थर्ड डेक में वेयर आर इंजन गाइज एंड आर गैली गाइज मेनली चीफ कुक एंड जीएस लिव। Now let's see guys where I live, the fourth deck of this accommodation. ये फोर्थ डेक में आपको मैं बताना भूल गया, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रूम इन आर फोर्थ डेक। मेनली दिस इज आर TT रूम, इट्स वेरी बिग एंड वेरी लार्ज। सो ये TT टेबल है, मोस्ट ऑफ द सीफेयरर्स जो भी जहाज पे काम करते हैं उनको पता रहेगा ये किसके मेहनत क्या है, ये कितनी इंपॉर्टेंस है इनका। तो अभी तो यहाँ पे कोई लोग आते नहीं क्योंकि कोस्टिंग चल रहा है, किसी के पास टाइम नहीं होता है खेलने का, तो अभी कोई यहाँ पे आता नहीं है। बेसिकली सब सामान यहाँ पे है, बैट्स ये सब, एंड ये भी कुछ लगा है यहाँ पे खेलने के लिए, डार्ट्स। तो फोर्थ डेक में एक TT कैबिन भी है, इससे कई लोगों की इंजॉयमेंट हो जाती है शाम में और बहुत ही मज़ा आता है TT खेलने के लिए। बेसिकली फोर्थ डेक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, दिस इज़ द फोर्थ डेक एलीवे, दिस इज ओएस वन रूम कैबिन। मेनली यहाँ पे भी कैबिन्स है जो डेक पीपल के लिए है, डेक में जो AB OS ETSM वो लोग के लिए है। तो ये जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको एग्ज़िट का, दिस इज़ द फायर एग्ज़िट डोर। जो कुछ भी फायर अगर एकोमेशन में होगा यू कैन रन अवे फ्रॉम हियर और गो अवे डाउन फ्रॉम हियर। बेसिकली दिस इज़ आर GS स्टोर जहाँ पे लिनन और क्लोथ रखते हैं। एंड गाइज दिस इज माय रूम, दिस इज माय रूम, दिस इज माय कैबिन। छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, प्लीज़ गाइज बेयर विथ मी। ये थोड़ा मेस्ड अप है, कोस्टिंग चल रही है, क्लीनिंग नहीं होती रेगुलरली। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस गाइज, लेट्स गो अप टू आर फिफ्थ डेक। हमारे भूतिया एलीवे भी बोलते हैं क्योंकि फिफ्थ डेक में नॉर्मली कोई रहता नहीं है। नॉर्मली द स्पेयर कैबिन्स आर ऑन फिफ्थ डेक। नॉर्मली यहाँ पे 7 कैबिन्स है, पूरे 7 कैबिन्स में कोई रहता नहीं है। नॉर्मली हम इसको भूतिया एलीवे भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत तरीके की आवाज़ आती रहती है। आई एम जोकिंग। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। और एक बात, फिफ्थ डेक में है वेरी इंपॉर्टेंट रूफ ऑफ जहाँ पे मेरा रेस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है, स्पेंड होता है। सो आई शो यू, दिस इज़ आर जिमनेजियम एरिया। जिमनेजियम एरिया मेरे लाइफ का और ये शिप का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे मैं मेरा ज़्यादा समय गुजारता हूँ। आई लव टू स्पेंड टाइम्स मोर टाइम्स हियर। नॉर्मली जिम में अभी कोई आते नहीं, सिर्फ मैं आता हूँ, AB और एक AB अथर आता है। तो छोटा सा जिम है, ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है लेकिन चल जाएगा हमारे लिए। जो जिम फ्रीक होते हैं, जो जिनको जिम का एक्चुअली करना होता है, तो उनको गैस की डंबल्स की परवाह नहीं है, वो अपने खुद से भी जिम कर लेते हैं। तो देखिए दिस इज़ आर जिमनेजियम एरिया। सो गाइस दिस इज़ आर 6 डे एलीवेज। मैं ज़्यादा दोस्तों नहीं बोलूँगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑफिसर इंजीनियर्स यहाँ पे सो ही है। सो 6 डेक नॉर्मली बिलोंग करते हैं ऑफिसर्स और इंजीनियर्स लोग के लिए। सेकेंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर यहाँ पर रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ज़्यादा लाउडली नहीं बोल सकता, दे माइट गेट डिस्टर्ब। फिफ्थ डेक में और एक ऐसा कैबिन है जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वो है ऑफिसर्स क्रू ऑफिसर्स रिक्रेशनल रूम। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ ऊपर 7th डेक पे। 7th डेक पे भी नॉर्मली कुछ है नहीं, कैप्टन्स कैबिन एंड इंजीनियर्स कैबिन ओनर्स डे रूम है। तो वहाँ पे मैं लेके नहीं जाऊँगा अभी क्योंकि कैप्टन वहाँ पे रहेगा शायद। तो लेट्स सी और क्या दिखाते हैं आपको।
Hello guys, right now I'm in the starboard side bridge wing doing my piracy watch, leaving my friend for dinner. तो अभी मैंने एक अच्छा सा एक ब्रिज के बारे में शूट किया है एक वीडियो, जाके तुम उसको देखो. और एक यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सनसेट है जो कि आपको मैं अभी आने वाले वीडियो में पता चलेगा. सो राइट नाउ आई एम इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शिप कॉल्ड ब्रिज. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द शिप. तो मोस्ट ऑफ द चार्ट वर्क्स, पैसेज प्लान्स यहाँ पे बनते हैं सब. मोस्टली थर्ड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर यहाँ पे रहते हैं. Yeah, I doubt myself, and I'm too proud to ask for help. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm over picking fights and trying to mend it with the high. This is the basically the bridge area. This is all the main equipments of the bridge. Can you, this is the light panel. जो भी deck में जो lights होते हैं वो सब यहाँ से चलते हैं. This is the buttons of the lights. यहाँ पे है radar और ACDIS. वो है radar, ये ACDIS है यहाँ पे. And I'll show you the main part of the ship, which is from which the ship is stored. This is the steering wheel of the ship. Basically, जो पहले पुराने जहाज़ों में आपने देखा होगा कि steering wheel बहुत बड़ा बड़ा होता था, लेकिन आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसमें steering wheel बहुत छोटा कर दिया है उन्होंने. You can see this. This is the wide angle view of the bridge. This is my third officer working on the bridge. And this is AB Arthur. सो एवरी वन वंडर्स जहाज़ कैसे चलता है, कहाँ से चलता है, कैसे चलाते हैं उसको. पब्लिक जो लैंड में है उनको भी पता नहीं जहाज़ कैसे चलता है. तो पहले जो पुराने जहाज़ों में आपने देखा होगा कि अपने मूवीज़ में या फिल्म में देखा होगा कि पहले के स्टेयरिंग व्हील्स बहुत बड़े बड़े होते थे. तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, दे हैव मेड द स्मॉल स्टेयरिंग व्हील्स. यू कैन सी दिस. दिस इज़ नॉर्मल योकोगावा स्टेयरिंग व्हील फ्रॉम वेयर द एबीज स्टेयर द वेसल. Hello guys, it's time to end my first vlog. बहुत ही अच्छा गया, एडिटिंग भी हो गया. प्लीज़ बेयर विथ मी गाइज. जहाज पे अभी ना क्या लैपटॉप है, ना अच्छा एडिटिंग टूल है, ना ऐप है. एक बड़े ही ईजी तरीके से मैंने ये एडिट किया है. आई एम श्योर मैं घर जाके अच्छे से इसको करूँगा. अभी मेरा पहला ब्लॉग है, चैनल भी पहला है. प्लीज़ बेयर विथ मी. मेरे को मुझे बोलने भी अच्छे से आ नहीं रहा. तो आई एम श्योर आप लोग भी बेयर करेंगे. तो ये गाइस, ये व्लॉग आपके लिए बनाया हूँ पहला, शिप्स के बारे में, शिप्स पर्टिकुलर के बारे में. प्लीज़ देखना इसको, प्लीज़ लाइक करना एंड डू कमेंट्स योर थॉट्स कि आपको आने वाले व्लॉग्स में क्या वीडियोस चाहिए, किसके बारे में वीडियोस चाहिए जहाज पे. थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर थॉट्स. थैंक यू.